हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे। तो लंबाई ब्लाउज की 14 इंच है, शोल्डर की चौड़ाई 7 इंच है, आर्म होल की लंबाई 6 इंच है। ब्लाउज का साइज अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। 4 इंच की चौड़ाई देते हुए गले की मार्किंग करेंगे और 3 इंच इसकी जो है लंबाई रखेंगे। साढ़े तीन इंच की लंबाई पर मार्क कर दीजिएगा और 4 इंच थोड़ा नीचे से साइड से मार्क कर देंगे। अब एक बॉक्स मॉडल में मार्किंग कर देंगे। तो मैंने एक बॉक्स मॉडल में देखिए मार्क कर दिया है। अब 1 इंच का कॉर्नर से मार्क करेंगे, ऊपर के साइड से राउंड में कर लेंगे। अब 1 इंच की चौड़ाई पे मार्क करेंगे। आप देख लीजिए 1 इंच की चौड़ाई पे पूरा मार्किंग कर लीजिएगा। ये मैंने मार्किंग कर दिया। अब इसको बराबर में लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो जैसे मार्किंग किए सेम मार्क के ऊपर से कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने ये देखिए अच्छे से अस्तर को पूरा कट कर दिया है। ब्लाउज कपड़ा लेंगे और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने अच्छे से अस्तर को पूरा कट कर दिया है। गले को इस तरीके से कट कर दीजिएगा, बराबर में फैला लेते हैं पूरा। और एक सिलाई लगाते हुए पहले गले की स्टिचिंग करेंगे। तो आप देख लीजिए वीडियो में कैसे स्टिचिंग करें, इस तरीके से स्टिचिंग कर दीजिएगा। तो देखिए मैंने अच्छे से पूरा गले की स्टिचिंग कर दिया। अब ऊपर की साइड से जो राउंड नेक मैंने रखा है वो छोटा सा, उसको पे छोटे छोटे कट लगा देंगे। तो राउंड नेक में मैंने अच्छे से छोटे छोटे कट लगा दिया। अब इसको देखिए पलट कर सीधा करेंगे। तो हमारे एक जो कॉर्नर है उसको अच्छे से पहले पलट कर सीधा कर दीजिएगा और ब्लाउज को पूरा पलट कर सीधा कर दिए हैं। तो देखिए मैं फिनिशिंग की स्टिचिंग कर रही हूँ, ऐसे कर दीजिएगा। तो मैंने कम्प्लीटली फिनिशिंग की स्टिचिंग कर दिया है। ब्लाउज की ऑल राउंड स्टिचिंग कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं मैं कैसे ऑल राउंड स्टिचिंग इसकी कर रही हूँ, ऐसे कर दीजिएगा। तो मैंने कम्प्लीटली इसकी कर दिया है। नीचे के साइड से इसमें ट्रक्स की स्टिचिंग करेंगे। तो अच्छे से माप लेते हुए ट्रक्स को स्टिच कर दीजिएगा। तो आप वीडियो में देख रहे हैं मैं कैसे ट्रक्स को स्टिच कर रही हूँ, ऐसे कर दीजिएगा। तो ट्रक्स स्टिच हो चुका है। नीचे के साइड से फैब्रिक ज्वाइंट किए, इसको डबल फोल्ड करके ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करते एक सिलाई लगा के नीचे के साइड से पूरी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो देखिए मैंने नीचे के साइड से बिल्कुल अच्छे से ये स्टिच करते हुए बना दिए। मेरा एक पार्ट ये कंप्लीट है, दूसरा भी बना दीजिएगा। अब इसको साइड करेंगे। और डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने एक पट्टी ले ली है। इस पट्टी की चौड़ाई मैंने 1.7 इंच रखा है। दोनों साइड से इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे और बीच में बिल्कुल बराबर में फोल्ड करते सिलाई लगा के इसकी पूरी स्टिचिंग करेंगे। तो आप वीडियो में देखिए मैं कैसे इसको स्टिच कर रही हूँ, फोल्ड करते ऐसे कर दीजिएगा। तो देखिए मैंने इसको बराबर में फोल्ड करते एक साइड से पूरा स्टिच कर दिया। अब इस पर हमें डिज़ाइन करना है। तो पहले इसको कट करेंगे डोरी को। तो डोरी को थोड़ा लंबा रखते हुए 4 इंच की लंबाई पर रख लीजिएगा और बराबर में इसको हम कट करेंगे। तो आप देख लीजिए वीडियो में 4 इंच की लंबाई मैंने इसको बराबर में पूरा फोल्ड कर रही हूँ। 4 साढ़े 4 ऐसे लंबाई रखिएगा। तो मैंने बराबर में इसको छोटे छोटे पार्ट में फोल्ड कर दिया। अब इसको कट करके देखिए अलग अलग कर रहे हैं, ऐसे आप भी कर दीजिएगा। ये कट करके मैंने अलग अलग कर दिया, इसको साइड कर दिए हैं। मैंने ये कुछ फैब्रिक स्क्वायर में कट कर दिया जिसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने 2.7 इंच रखा है। इसको देखिए क्रॉस में फोल्डिंग कर रहे हैं और इसका कैसे डिज़ाइन बना रहे हैं आप वीडियो में देख लीजिए। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन बनाते इसको पूरा स्टिच कर दीजिएगा। तो आपको मेरी ये डिज़ाइन समझ में आ रही होगी। ऐसे आप पूरा डिज़ाइन बना लीजिएगा, जितने भी डिज़ाइन आपको ब्लाउज़ में यूज़ करने हो। तो मैंने आपको ये कुछ डिज़ाइन बनाकर दिखा दिए हैं। अब इसको हम साइड करेंगे डिज़ाइन को जो बनाए हुए हैं। और मैंने न्यूज़पेपर ले लिया। न्यूज़पेपर को जो इस तरीके से हम बराबर में रख देंगे। तो आप देख रहे हैं मैं कैसे इसको बराबर कर रही हूँ, इतने बराबर में ले लीजिएगा। और इसको हम पहले अच्छे से यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से बराबर करते हुए न्यूज़पेपर को कट कर दीजिएगा। ये मैंने अच्छे से कट कर लिया, जितना हमें यूज़ करना है उतना पार्ट ले लिए। इसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंच 3.5 इंच रखी है और लंबाई मैंने आपको दिखाई है, उस अकॉर्डिंग ले लीजिएगा जितना आपका ब्लाउज़ का लंबाई हो। जो पट्टी है मैंने ये कट की थी
उसको ले लिया। अब उसको देखिए कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं न्यूज़पेपर के ऊपर, आप वीडियो में देखिए आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आप न्यूज़पेपर के ऊपर पट्टियों को रखते हो स्टिच कर दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं मैं कैसे इसको पट्टियों को बराबर न्यूज़पेपर पे रख के स्टिच कर रही हूँ। ऐसे बराबर न्यूज़पेपर पे रखते हुए पट्टियों को स्टिच कर दीजिएगा। तो ये देख लीजिए मैंने इसको पूरा अच्छे तरीके से एक साइड से बराबर करते हुए पूरा स्टिच कर दिया है। अब दूसरे साइड से हम इसको देखिए थोड़ा बुनाई करेंगे बीच में, फिर स्टिच करेंगे। तो आप वीडियो में देख रही आपको क्लियर समझ में आ जाए कैसे मैं बुनाई करते स्टिचिंग कर रही हूँ। इस तरीके से बुनाई करते स्टिचिंग कर लीजिएगा। तो बीच में आपको जो मैं डिज़ाइन को अच्छे से बुन रही हूँ आपको समझ में आई होगी। ऐसे अच्छे से बना लीजिए कि एक दूसरे से क्रॉसिंग करते हो पट्टियों को। तो ये डिज़ाइन मैंने साइड कर दिया। मैंने ये जो डिज़ाइन लिया था उस डिज़ाइन को नीचे के साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ रखी उसको पहले अच्छे से कटिंग करके निकाल देंगे। तो आप देख रहे हैं मैं कैसे एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल रही हूँ। ऐसे कट करके निकाल दीजिएगा। तो मैंने ये देखिए पूरा एक्स्ट्रा फैब्रिक ये कट करके निकाल दिया। इसको साइड करेंगे और डिज़ाइन को पहले साइड करते हैं और जो पट्टी वाली डिज़ाइन बनाई है उसको ले लेते हैं। तो मैंने पट्टी वाली डिज़ाइन ले लिया। अब इसके ऊपर की साइड से देखिए डोरी के बराबर में हम कैसे डिज़ाइन को रखते हुए स्टिच कर रहे हैं। इस तरीके से बराबर में डिज़ाइन को रखते हुए स्टिच कर दीजिएगा। आपको समझ में आ रही होगी डिज़ाइन में कैसे स्टिच करें, ऐसे स्टिच कीजिएगा। तो जितने डिज़ाइन है सभी डिज़ाइन में इसी तरीके से स्टिच करेंगे। तो मैंने ये देखिए आपको कम्प्लीटली पूरा डिज़ाइन में अच्छे से ये डिज़ाइन को स्टिच करते दिखा दिया। ऐसे बना दीजिएगा। अब इसको ब्लाउज के साथ में स्टिच करेंगे तो बराबर में रख लेते हैं और एक सिलाई लगा तो इसकी पूरी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो मैंने ये पूरा एक साइड से स्टिच कर दिया। दूसरा पार्ट भी ज्वाइंट करेंगे तो मैंने दोनों को ज्वाइंट कर दिया। अब इसको लेस लगा के डेकोरेट करेंगे तो लेस ले लेते हैं और बराबर देखिए गले पे लगाते हुए लेस की स्टिचिंग करें, ऐसे कर दीजिएगा। तो नीचे के साइड से देखिए मैं लेस को कैसे स्टिच कर रही हूँ, ऐसे कर दीजिएगा। ये पूरा लेस की स्टिचिंग हो चुकी है। गले पे भी बराबर में लेस को स्टिच करेंगे तो लेस लेंगे बराबर गले पे रखते ही सिलाई लगा के पूरी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो मैंने देखिए गले पे लेस की स्टिचिंग कम्प्लीटली कर दिया। ये ब्लाउज़ देखिए कम्प्लीट है। पहले न्यूज़पेपर जो लगाए थे उसको पूरा रिमूव करेंगे। तो आप देख रहे हैं मैं कैसे न्यूज़पेपर को रिमूव करी, अच्छे से न्यूज़पेपर रिमूव कर दीजिएगा। तो मेरी ये ब्लाउज डिज़ाइन देखिए बिल्कुल कंप्लीट है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्टाइलिश ब्लाउज डिज़ाइन है। अगर आपको अच्छी लगी हो डिज़ाइन तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ जो ऐसा ही ब्यूटीफुल और सुंदर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।